नाजरीन, इस वक्त हम अम्बाई जोगी में मौजूद है। यहाँ पर आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ, चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हो हम दरगाह शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर चल कर हम आपको जानकारी देते हैं कि देख सकते हो इस तरफ दो तावीज़ है और ये मस्जिद है, काफ़ी पुरानी है। और ये देख सकते हो आलम मुबारक काफ़ी बड़ा है, साइड में किमली का दरख्त भी मौजूद है। तो देख सकते हो हम मज़ार शरीफ के पास में दाखिल हो चुके हैं। सैयद मौजुद्दीन आशिकुल्ला हुसैनी कादरी रिफाई दरवेश, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, आपकी शान में पीर की शान, पीर की शान में आपकी शान, करम नवाइस की गुजारिश। आप देख सकते हो मज़ार शरीफ का काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। इस तरफ चिरागदान है, ये देख सकते हो फूलों से झूमर बनाया गया है। आइए ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देख सकते हो कब्रिस्तान के सीधे हाथ तरफ काफ़ी सारे मज़ारे भी हैं, तावीज़ें बने हुए हैं। देख सकते हो नाजरीन काफ़ी सारे तावीज़ है। हम यहाँ के खादिम से जानकारी लेकर आपको बताते हैं ये किस किस की मज़ारे और उनके नाम क्या क्या है। और ये देख सकते हो अंदर से मस्जिद, हज़रत काले शाह कादरी रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, आइए ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इसी तरह हम लोग रोज़ नई जगह पर जाकर नई मज़ारात की ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमसे कुछ गलती हो तो हमारी रहनुमाई करो। शुक्रिया। हजरत सैयद मुइजुद्दीन आशिकुल्लाह कादरी रिफाई हुसैनी दरवेश आपका सिलसिला रिफाई है और आपके पीरो मुर्शिद है सैयद हमजा रफाई। सैयद हमजा रफाई कहाँ से है? सैयद हमजा रफाई बसरा के अंदर है, बौली के अंदर मजार है जिनकी। अच्छा, और आप इधर हिंद के थे, रहने वाले बसरा में चले गए थे। अच्छा, आपका मजार मुबारक है धनोर, धनोर चोपड़ा के आगे, धनोर धनोर के आगे आपके खलीफा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ आपकी पीरो मुर्शिद है बगदाद में बसरा के अंदर, सैयद ना हमजा रफाई। अच्छा, आपके खलीफा है। अच्छा, और ये जो मजार है, ये जो मजार है काले शाह जो है आपकी गादी नशीन करके यहाँ बड़े सब मुजरत हो गए, ये सब चौदह। अच्छा, ये सब आपके भला, ये जो बुजुर्ग है ये कब आए? आपको आके तकरीबन 700 साल के करीब हो रहे, 700 साल के करीब हो गए, 600-700 साल हो। अच्छा, तो ये जो बाकी जो हुजरे है या दरगाह है या तावीजात है, तो ये आपके यानी जो आप जो है जो सामने जो खदमों के पास है,
सैयद जमालुद्दीन खादरी रिफाई आपके साथ आले बसर है, आप बता सकते हैं चलकर बता देना। तो चलो नहीं आप बोले बैठो इसलिए बैठेंगे ना। देखो हमारा ऐसा है हिंदू ये सरजमीन मोमिनाबाद के कौन से बुजुर्ग की मदद सबसे अहम चीज बेटा रुक जाए सबसे है ना। जैसा इनके कौन खलीफा इनके कौन खलीफा इनके कौन यानी इतनी नस्लें है यहाँ पर हम आजकल के नहीं आए। हजरत सैयद कालेशा हाजरी रिफाई आप मुजरत है आप यार ये टोटल मुजरत है लोग सब बगैर शादी से था सब मुजरत सब आपके खलीफा है सब खलीफों में जी जी। अच्छा और ये जो आप बता हाँ ये सब साथ वाले हजरत के। अच्छा और वो सैयद जमालुद्दीन खादिर रिफाई ये हजरत के अकेले साथ दोनों मिल गया आले जमीन का हजरत जमालुद्दीन कादरी रिफाई कादरी रिफाई हजरत के साथ आने वाले। अच्छा ये बगदाद बसरा से साथ आने वाले हजरत। अच्छा और ये जो तीन है ये मालूम ये इनके साथ के जो ये लोग हैं साथ के हाँ। अच्छा और आप वो जो कमान के पास है हाँ। सैयद लाला मियां अल्लाह रखा सैयद लाला मियां अल्लाह रखा हाँ वो कमान के पास जो बड़ी मजार है। एक मिनट है बेटा जाके ले जा दो उनकी कुछ मालूम इनके साथ के जो होगी वहाँ जाके के यहाँ से लाला मियां अल्लाह रखा सैयद लाला मियां अल्लाह रखा हाँ। और ये चौकोन के अंदर क्या है ये लेडीज के है ये लेडीज के ये यहाँ पे हारमोनियम ये बजाते थे। अच्छा ये कस्बन लोग जो बोलते हाँ बोलिए 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 ये यहाँ पे हारमोनियम नगारा वगैरह बजाते थे ये भाई इनके खबर आई क्योंकि देखो अल्लाह ताला विलायत रूह पर अता करता जिस्म पर अता नहीं करता नहीं तो राबिया बसरी को कलंदरी नहीं मिली होती। जिस्म जो है एक अलग चीज़ है ये रूहानियत और चीज़ है। अब सिलसिले सिलसिले तो बरह दो है गौस और ख्वाजा। अच्छा कितने हैं सिलसिले दो एक गौस और ख्वाजा। अच्छा अब दो सिलसिले के चार बने। अच्छा चार क्यों बने खादरी चिश्ती नक्शबंदी शेरवर्दी हाँ। तो सिलसिले सेहरवर्दे जो है चिश्तिया में जम होता। अच्छा और सिलसिले नक्शबंदे जो है खादरिया हाँ। में जम होता। अच्छा ये कितने हो गए चार हो गए हाँ। दो के चार हाँ। अब चार के चौदह क्यों है हाँ। जिसमें से नौ खादर और पांच चिश्त ये हाँ। चार फिर चौदह खाना जिसमें अच्छा, सही हाँ। और हजरत सैयद बदीउद्दीन खुतबुल मदार का सिलसिला जो है वो सेफ आए हो। अच्छा हिंदुस्तान में सबसे पहले आप आए वाले हैं गरीब नवाज से पहले आए। अच्छा जिन्होंने 596 साल हयात रहे आप। अच्छा कितने 596 साल नहीं रफाई मदारी और हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई जो है सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के दुआओं से पैदा हुए गौसे पाक के सगे भांजे भांजे आपकी दुआ सैयद हाँ आपकी दुआ सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती और सैयद अहमद कबीर रिफाई ये सगे भाई है। एक मदार साहब ने लिए सैयद अहमद कबीर रिफाई और सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती मदार साहब के पास है जिनसे सिलसिले मदारिया के मदारी चला है। हाँ मदारी चला जिनकी मदारे हिलसा के अंदर यूपी में सही हाँ सही कोई इसमें सिलसिले दरअसल आद्रिया चिश्तिया नक्शबंदे सर्वे सिलसिले तो दो चे दो के चार बने आले कड़े आए तो उसके अंदर और हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार का सिलसिला तो आलादा है उससे पहले आपके पहले खलीफा हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के मोहम्मद कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका जनाजा 12 साल चलते रहा लाश बिगी नहीं कुछ नहीं हजरत ने बताया जहाँ मतफन जहाँ जनाजा टिकेगा वहाँ मतफन करना जिनकी मदारे कोलार के अंदर कर्नाटक में कर्नाटक कोलार में हाँ मोहम्मद कुतुब 12 साल जनाजा चलते रहा। जिनका संदल उस वगैरह कब होता है दो रजब को हजरत का गुस्ल मुबारक होता और तीन रजब को संदल माली होती। अच्छा और चार रजब को चिरागा रहते हजरत के। अच्छा तो उस वक्त में फकीरों का चौक वगैरह लगता है फकीरों आते ना। अच्छा और यहाँ पर लंगर वगैरह होता लंगर है। भी होता महफिल समा होती है महफिल समा भी होती। अच्छा माशाल्लाह तो ये यानी तीन रोज का काम चलता है हाँ, तीन मतलब दो रजब को संदल बेहूस और फिर बाद में चिराग हाँ चिराग और तो लंगर तीनों दिन चल कभी दो दिन कभी तीन दिन अभी क्या है कोरोना के वजह से थोड़ा यहाँ का नाम जो मोमिनाबाद था है हाँ। तो वो किस तरह से था ये यहाँ पे बुजुर्ग वाले मारे मौला बोल के इनके नाम से मोमिनाबाद रखा गया है मारे मौला हाँ। अच्छा और यारे मौला जो है तो येरमाला के अंदर येरमाला हाँ
कर्म मौला करमाला में। हाँ जी। और फजले मौला सोलापुर के पास है। फजले मौला सोलापुर के पास। तो ये चारों एक ही पीर के मुरीद थे या एक ही पीर के? हजरत अली के। हजरत मौला अली के तरफ भेजा गया। हाँ, मौला अली की तरफ भेजा, इनके खुल्फा में से। अच्छा, तो ये मार मौला यहाँ पर जो यहाँ पर है, इंशाअल्लाह उसकी भी ज़ियारत करेंगे। मारे मौला है। मारे मौला।